boys and girls, my name is Ashish and you are watching Rule Breaker. तो हम सुबह अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं सुबह तैयार होने में, अपने बालों को पूरा स्टाइल करते हैं, अपने फेस को पूरा तैयार करते हैं और अपनी पूरी बॉडी को तैयार करते हैं। तो उस बीच बात करें सुबह सुबह आप लगते पूरे ऑसम, पूरे एक सेलिब्रिटी, लेकिन बट एंड ऑफ द डे यू आर फीलिंग दैट यू आर द वर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और आपको कॉन्फिडेंस जाता है तो हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 खतरनाक हथियार बताने वाला हूँ जिन्हें आप यूज करके ऑसम देख सकते हो सारा दिन। दैट्स इंटरेस्टिंग, लेट्स हैव वन बॉयज, इन्वेस्ट मनी इन लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आपने पहनी पूरी महंगी शर्ट, आपके बाल भी पूरे लॉन्ग लास्टिंग होल्ड पर हैं और आपके जो घड़ी है वो भी महंगी है, लेकिन आपके शरीर में से आ रही है गंदी बदबू। ओह माय गॉड, सबसे 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 बेकार फीलिंग होती है ये मेरे हिसाब से, आपके हिसाब से भी हो सकती है। तो क्वालिटी फ्रेग्रेंस खरीदे थोड़ी सी महंगी की प्राइस, या फिर आप अच्छे से जहाँ पे स्वेटिंग एरियाज होते हैं उन्हें अच्छे से वॉश करें नहाते वक्त, और आप में से बुदबुदाने के चांसेस भी कम हो जाएंगे, और साथ में डिओड्रेंट या फिर परफ्यूम का भी यूज करिए ताकि आप में से अच्छे। नंबर टू बॉयज, कैरी हैंडकरचीफ, अगर हिंदी में बात करें तो रुमाल, यानी कि सबसे खतरनाक वेपन जो आप सभी के काम आएगा। बात कर लेते हैं, आप में से किसी किसको लगता है कि मैं थोड़े से कदम चलता हूँ तो मुझे पसीना आने लग जाता है, सभी को पसीना आने लग जाता है। अगर आपके शरीर में से पसीना आया और आप में से गंदी आई बदबू, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, जो कि हमने पहले पॉइंट में बात कर ली है। वैसे स्मेल आप में से पसीना आ रहा है, आप में से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा तो आप अच्छे नहीं दिखोगे। आपके फेस की बात करें तो आपके फेस पे पूरा पसीना पसीना होगा, ऑयल होगा, डर्ट होगा, दैट्स वाई आप अच्छे नहीं दिखोगे। तो आपको खरीदना पड़ेगा, आपके पास होगा जैसे रुमाल तो होगा, यानी कि हैंडकरचीफ है ना, तो उसे सबसे पहले अपने साथ कैरी करिए हर जगह जहां भी आप जाओगे, और ये आपका अल्टीमेट वेपन बन सकता है जो कि आपके सारा दिन काम आने वाला है। नंबर थ्री, क्रैक्ड लिप्स, हिंदी में बात करते हैं वैसे फटे होंठ। हमें से बहुत सारे पानी है जो है वो कम पीते हैं, उससे क्या होता है हमारी बॉडी जो होती है वो डिहाइड्रेट हो जाती है, और सबसे पहले उसका क्विक साइन होता है आपके फटे होंठ। तो और जब आपके होंठ फट जाते हैं तो उसके बाद सबसे आप मशहूर चीज करते हो, तो आप में से सभी ऐसे करते होंगे। तो क्विक सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, आपको यूज करना चाहिए वैसलीन या फिर एक लिप बाम जो कि आपके होठों को यानी कि लिप्स को मॉइस्चराइज करके रखेगा और आपके पूरे फेस की लुक को ऑसम दिखाएगा। नंबर फोर, फ्लैट हेयर। आप में से कितने लोग हैं जो सुबह सुबह अपने बालों पे टाइम खर्च करते हैं, सभी टाइम खर्च करते हैं, तो आपको क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करना चाहिए जिससे कि आपके बालों के अंदर वॉल्यूम सारा दिन रहे। वैसे मुझे इतना वॉल्यूम पसंद नहीं है बालों में, तो कि मेरे दैट्स व्हाई मेरे बाल जो नेचुरली रहते हैं, जैसे भी हो जाए हवा ये खेल गई थी मेरे साथ, जैसे हवा ने मेरे बाल कर दिए मैं वैसे ही रखता हूँ, बिकॉज आई लाइक नेचुरल हेयर्स। लेकिन अगर आपको वॉल्यूम पसंद है अपने बालों के अंदर तो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का यूज करिए जिससे कि आपके बालों के अंदर जो वॉल्यूम है रहेगा। वैसे वॉल्यूम से मुझे कुछ बात याद आ रही है, एक मिनट, हमने मतलब कि मैंने यानी कि हमने ही वैसे वीडियो बनाई थी हाउ टू गेट वॉल्यूम इंस्टेंट वॉल्यूम बिना हेयर ड्रायर के, बिना किसी हेयर प्रोडक्ट के और बिना किसी हेयर ब्रश के। तो और क्या चाहिए आपको, इस वीडियो का जाके जरूर देख लेना, आपके बालों के अंदर वॉल्यूम चुटकियों में आ जाएगा। एंड फाइनली नंबर फाइव इज टायर्ड आईज, हिंदी में बात करें तो थकी आंखें। तो मुझे पता है आप स्कूल में पढ़ते हो, स्कूल के अंदर पढ़ते हो, उसके बाद घर पे आते हो, फिर ट्यूशन जाते हो, तो इस वक्त के अंदर आपकी जो आंखें होती हैं वो थक जाती है और आप सारा दिन करते रहते हो ऐसे ऐसे, तो उसे छोड़ो। सबसे पहले तो आपको इनफ स्लीप लेनी चाहिए 7 से 8 घंटे की। वैसे सभी की बॉडी डिफरेंट होती है, सभी को अलग अलग आवर्स की स्लीप की जरूरत होती है, किसी को 6 घंटे चाहिए बॉडी पूरी रिकवर होने के लिए, किसी को 7, किसी को 8। तो आपको जितनी चाहिए उतनी स्लीप लीजिए, बट 8 घंटे से ज्यादा मत सोना, क्योंकि उससे आपकी बॉडी थकी हो जाएगी और आप पूरे दिन एक्टिव नहीं रह पाओगे। तो मेन पॉइंट ये है, आपको इनफ स्लीप लेनी है और जितना हो सके पानी पीना है, जो कि आपके ब्रेन को जगाए रखेगा, और आपका ब्रेन जगा रहेगा यानी कि आपके पूरे शरीर का मालिक जगा रहेगा, तो सभी को जगा के रखेगा, स्पेशली आपकी आंखों को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप नए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी ऐसी कुछ वीडियोस मिल जाएंगी जिन्हें आप जाकर देख सकते हो, जिससे आपकी हेल्प हो जाएगी, मेरी हेल्प हो जाएगी। वैसे हेल्प से कुछ याद आ रहा है, सब्सक्राइब कर लो, मेरी भी हेल्प हो जाएगी, आपकी भी हेल्प हो जाएगी। आपकी कैसे हेल्प होगी मैं बताता हूँ,
आपको मिलेंगे वीडियोस फैशन, ग्रूमिंग, फिटनेस और धीरे धीरे हम अपने चैनल को एक्सपेंड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा धीरे धीरे इस पर और वीडियोस भी लेके आने वाले हैं, जैसे कि सेल्फ हेल्प या फिर मोटिवेशन, ऐसी वीडियोस भी लेके आएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।